हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 2011 से लेकर 2016 तक के पेपर देख चुके हैं। जिस किसी ने अभी नहीं देखे वो पेपर जाके देख सकता है, IAS के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है आपकी, उसी में डले हुए हैं। हम लोग बात करेंगे 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। याद रखना ये सेट ए है, ठीक है, सीरीज नंबर ए, चार सीरीज में आता है ABCD। तो ये पहला है ए, ठीक है। ये 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है इसमें, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो आपको बता देना है दोनों गलत, ठीक है। इसमें इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये सही है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इनमें ये भी सही है, इसमें इस प्रकार होगा हमारा 1-3 ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो याद रखना ए ऑप्शन सही है, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन, ठीक है, ए ऑप्शन है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व देखें। तो आपको याद रखना है सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का, ठीक है, ए ऑप्शन सही है 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, 5 का ए है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्डिज में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 6 में ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, गलत ऑप्शन है, सही नहीं। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति संरक्षक को खतरा ना हो, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसमें 6 का बी। क्वेश्चन नंबर सात है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में जुड़ा है। तो आपको बता देना है 7 में होगा बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, क्या होगा बी ऑप्शन होगा 7 का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता देना है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सी ऑप्शन सही है 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का सरलीकरण प्रदान करता है। तो आपको बताना है इसमें
ए ऑप्शन सही है, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका? क्वेश्चन नंबर 10, यह हमारे देश में प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। गलत है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों का के अभिज्ञान की एक पहल है। सही है। तीसरा फिर गलत है। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना। इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 11, यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। सही है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है। प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन होता है। गलत है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में करती है। ये भी गलत है। इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। सही है। केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। गलत है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के आरंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो याद रखना, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुरो। इसमें होगा सी ऑप्शन, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण तकनीक के कौन से लाभ हैं? तो याद रखिए, इसमें यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। सही है। कैडमियम और लेड जैसी धातुओं से युक्त तो किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जीव उपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। गलत है। जीव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा इसमें, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो आपको बता देना है, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है? तो आपको बता देना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं? विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन। गलत है। कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन पर निर्बंधन, ये भी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 18, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति पर किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपको बता देना है, ईयू। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में दो बार समुद्री तल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो याद रखना है, चांदीपुर में। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 20, बेनामी संपत्ति लेन देन के निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिए इसमें 20, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। गलत है। बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी। ये भी सही है। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। ये गलत है। यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ कारणवश यदि तितलियां की प्रजाति की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रखना है 21 का होगा। पहला, कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सही है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। ये भी सही है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ये भी सही है। यानी कि इसमें होगा डी ऑप्शन, तीनों सही है। 21 का डी है। क्वेश्चन नंबर 22, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। पहला है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा तक होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। ये भी गलत है। आर्थिक रूप से व्यवहार्थ उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिसमें पारिस्थितिक तथा सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकता है। ये भी सही है। यानी कि 3 ऑप्शन सही है केवल। इसमें होगा हमारा सी ऑप्शन। क्या होगा 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं। पहला, इसमें गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। सही है। छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्तअल्पता की घटना को कम करना। ये भी सही है। बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ावा देना। ये गलत है। मुर्गी के अंडे के उपभोग को बढ़ावा देना। ये भी गलत है। यानी कि इसमें होगा केवल 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की देने की दृष्टि से पारित किया गया था। गलत है। एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। सही है। यानी कि बी ऑप्शन सही है। 24 का बी है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है। तो 25 परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला सही है। निशेष तेल और गैस भंडार ये भी सही है। भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह यानी कि डी ऑप्शन होगा। 25 में डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है इसमें होगा डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। क्वेश्चन नंबर 27, कभी कभी समाचारों में दिखाई
पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? तो आपको बता देना है हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने के लिए, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। दूसरा है विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ना तो एक सही है ना ही दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो आपको बता देना है राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें सही कथन देखना है हमें। तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है, सही है। तिस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, यह भी गलत है। यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल दो कथन सही है, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन देखना है हमें। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, ये सही है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, सही है। यानी कि सी ऑप्शन सही है, 31 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर वाहन को टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है, सही है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, गलत है। यानी कि ए ऑप्शन सही है, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो पहला है यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, सही है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता अनुरूप कीमत मिलती है, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन होगा, 33 का हमारा सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है। औद्योगिक नीति संवर्धन विकास संबंधन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण है, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन सही है, 54 का सी है, 54 का क्या है सी। चौंतीस का सी है, बड़े जल्दी 54 पे पहुंच गए, 34 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कृत्य पर उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? घड़ियाल भारतीय जंगला का नहीं किया जा सकता, जंगली गधा का, जंगली भैंसा का, यानी कि तीनों का नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन होगा। ठीक, 35 में डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तनीय करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ये भी गलत है। यानी कि डी ऑप्शन इसमें भी होगा, 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 37, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजुल लक्ष्मी नरसु चिट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। याद रखिए तीनों सही होंगे, इसमें डी ऑप्शन सही है, सम्मिलित हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो इसमें होगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। 38 का क्या होगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का होगा सी, दोनों कथन सही है। ठीक, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने के लिए क्या प्रयोजन है? पहला, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। दूसरा है, लघु सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। दोनों सही हैं। युवा उद्यमियों को विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये गलत है। यानी कि इसमें ए और एक और दो दोनों सही हैं। ठीक, 40 का ए है। क्वेश्चन नंबर 41, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रक्रियाओं और शासन संरचना था। गलत है। भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB APEC आसियान की सहभागिता से करता है, ये भी गलत है। यानी कि 41 का डी होगा। 41 का क्या होगा आपका, डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। याद रखिए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। क्वेश्चन नंबर 43, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ को क्रियान्वित करने से निम्नलिखित में से कौन किसके होने की संभावना सर्वाधिक है? तो याद रखिए 43 का भी ए है, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होती है। बात करते हैं 44, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो आपको बता देना है 44 का ए होगा, ब्रह्मांड का पीछे पीछण और बोध के, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कृषि के संदर्भ में समाचारों में आने वाला जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? पहला है, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए अनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। सही है। यह तकनीकी फसली पौधों की नई किस्म को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। तीसरा, इसका उपयोग फसलों में पौषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि 45 में हमारा डी होगा, 45 में डी होगा, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सी ऑप्शन है 46 का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो याद रखना है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। ए ऑप्शन सही होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो आपको बता देना है उद्देश्य क्या में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो याद रखिए 7। 49 का बी है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक, तीनों हैं, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें 50 में डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? तो याद रखना है मछलीपट्टनम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, सही कथन देखना है मैंने इसमें। यह यूरोपीय संघ की एक पहल है, ये सही है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों की को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीक की एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इसमें ए ऑप्शन होगा, 52 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन देखना है हमें, 53 में सही कथन देखना है। सिद्धांत चैत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय गलत है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय की अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान है, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा है? तो 54, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, यानी कि आपका 54 में सी होगा, केवल 3-4 की, लेबनान की और सीरिया की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, 54 का सी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 55 में अपना होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। यह नीति आयोग का एक अंग है, वर्तमान में इसकी कॉपर्स 4,00,000 करोड़ है, नहीं दोनों गलत हैं, ठीक। 55 का डी है, 55 का क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 56, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा इसमें बी है, गैर सरकारी क्षेत्र को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण करने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। 56 का क्या होगा, बी, 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है, क्या होगा आपका, 57 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन है। 58 का सी है, क्वेश्चन नंबर 58 का क्या ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 59, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो आपको बता देना है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आ मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, बेहतर नगरीय भविष्य में दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सा कथन सही है इनमें से। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आशय प्रदान करते हैं, सही है। इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण रही हैं, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के उद्देश्य में योगदान करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 61, यानी कि इसमें क्या होगा आपका 60 का होगा बी, ठीक है, 1 और 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही चुनना है आपको, ठीक है। तो 61 में आपका क्या होगा, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, गलत है। NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है, ये सही है, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 क्वेश्चन नंबर, भारत के इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, तो आपको बता देना है बी ऑप्शन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरू किया जाना। 62 का क्या होगा, सॉरी 62 का होगा आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, डाय आर की, तो प्रांतों को प्रत्यायोजित विषय के 2 प्रवर्गों में विभाजित करना, याद रखिए 62 का डी है। एक बात याद रखिए, मेरी तो हर तरफ से कोशिश रहती है कि सही आंसर को बताया जाए आप लोगों को, लेकिन मुझसे भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसे आप लोग सुधार कर कमेंट बॉक्स में लिख दें थोड़ा डिटेल के साथ, जिससे अन्य लोगों को सही जानकारी मिल सके, प्लीज इतना कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है आपको, तो इनमें से कौन सा कथन सही चुनना है। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है, ये गलत है। नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है, ये भी सही है, ये सही है, एक गलत है, तो यानी कि बी ऑप्शन होगा 63 का, 63 का क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, तो याद रखिए 64 का बी होगा, क्या होगा बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है, बी ऑप्शन सही है, 64 का बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या होगा बी,
अल्पजीवी जलवायु प्रदूषण को न्यूनतम करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह देश की एक अनोखी पहल है, ये गलत है। CCAGC मैथेन कला कार्बन हाइड्रोफ्लोरो कार्बनों पर केंद्रित है, ये सही है, यानी कि इसका बी ऑप्शन है सही। ठीक है, अगला है 66 हमारा, 65 का क्या होगा बी, क्वेश्चन नंबर 66 में भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 66 IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विश्लेषित होती है, सही है। IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है, तो याद रखना 67 का ये भीतर कड़ी का मैंगो, 67 का ए। क्वेश्चन नंबर 68, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है देखना है, तो 68 प्यारंभी IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुई, गलत है। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्रवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है, सही है, यानी कि केवल दो सही है, 68 का बी है। क्वेश्चन नंबर 69, बौद्धिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रयाग चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में, क्या है, 69 का होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, परंपराएं और समुदाय, 70 चलिहा साहिब उत्सव ये सिंधियों का है, सही है। नंदाराज जात यात्रा गौड़ों में, गलत है। बारी बारकरी संथालों में, ये भी गलत है, केवल एक सही है इसमें, 70 का ए है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, तो पहला है इसमें 71 भूमि की कम या शून्य जुताई, सही है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, 71 का आपका डी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, गलत है। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में विश्व बैंक को समर्थ बनाना, गलत है। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति दो उपयोग को रोकना, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा, 72 का आपका पी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सामान्यता या उपयुक्त उपभोक्त पदार्थ उसमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन, तो सही सुमलित देखना है, 73 लिपस्टिक सीसा, सही है। शीतल पेय ब्रोमिनित वनस्पति तेल चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि डी ऑप्शन है, 73 का आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 74, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड का उपयोग बहुत से साधनों के अंकीय प्रदर्शन सर्जित करने के लिए किया जाता है, द्रव क्रिस्टल
फीडर्सों की सूचना तुलना में ओएलईडी फीडर्स किस प्रकार लाभकारी है? तो याद रखिए 74 में आपका सी होगा, तीनों सही होंगे। ओएलईडी फीडर्स नम्य प्लास्टिक अवस्थरों पर संरचित किए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतरा स्थापित उपविलयनीय फीडर्स बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी फीडर्स संभव है। ठीक है, तीनों सही है, 74 का सी है, तीनों सही है। ठीक है, 74 में सी है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो आपको याद रखना अरस वल्ली, ठीक है, सही है। अमरकंटक गलत है, ओकारेश्वर गलत है, यानी कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को नव को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है? गलत ऑप्शन है। और भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष पद बहुमत वाले दल को हो जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। गलत है, यानी कि डी ऑप्शन है, 76 का डी है, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 77, जीडीपी में कृषि का अंश बेहद रूप से बढ़ गया? गलत है। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ा? सही है। एफडीआई का अंतर्वाह इनफ्लो बढ़ गया? ये भी सही है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बेहद रूप से बढ़ गया? ये भी सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन होगा, 77 में आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुपयोग क्या है? 78 सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, ठीक है, सी ऑप्शन है इसमें, 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है? सही है, यानी कि 69 का आपका सी होगा, दोनों सही है, ठीक, सॉरी 79 का सी होगा। इतने तो समझदार हो यार, इतना तो एडजस्ट कर लिया करो। MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो आपको याद रखना है बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव, बी ऑप्शन सही है इसमें, 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 81, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? यह भारत में बहु प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जाने रहे बहुल करों का स्थान लेगा, इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा, यह सही है। यह भारत के चालू खाता घाटे की प्रबलता से कम कर उसमें के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा? गलत है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहद रूप से बढ़ाएगा, उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा, यह सही है, यानी कि इसमें होगा 81 में आपका सी ऑप्शन, एक और तीन कथन सही है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो यूरोपीय संघ, 82 का क्या होगा ये। क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार का अनुसमर्थन किया है, सही है। TFA WTO के बाद के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, सही है। TFA का जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ, ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन 83 का आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, सी ऑप्शन है चंगन 84 का, ठीक 84 का सी। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधिवत अधिदेशात्मक है? तो 85 में आपका सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर, कॉरपोरेट निकाय, तीनों हैं, डी ऑप्शन है इसमें, तीनों सही हैं, ठीक 85 का आपका डी होगा, याद रखिए 85 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है, 86 डी। क्वेश्चन नंबर 87, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का प्रयोजन क्या है? कब क्या प्रयोजन है? 87 में बी होगा, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? नीचे दिए गए तीन कथन, इनमें सही उत्तर चुनना है, सही कथन कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता, गलत है। निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना, सही है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधिकारिक संरचना सुविधा के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है, यानी कि केवल दो सही है आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है, 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? तो 89 बी, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके, 89 में भी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है, गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, गलत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाना है, ये भी सही है, ये सही है, केवल तीन, तो 90 का होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? तो याद रखना, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? तो याद रखना, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ए ऑप्शन सही है 92 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम लगाना है, यानी कि 93 में आपका सी होगा, पहले तीन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ठीक है, 93 का सी है। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है, 94,
पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। गलत है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। गलत है। यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो। 94 का आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में से निम्नलिखित में किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो याद रखना है कूनो पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक, 95 का बी है। क्वेश्चन नंबर 96। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? बी ऑप्शन सही होगा इसमें। राज्य का विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, एक सही है और तीन सही है, स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, 96 का आपका बी होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 97। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? 97 मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, सही है। अस्पष्टता का उन्मूलन, गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी गलत है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, एक सही है। यानी कि सी ऑप्शन होगा। 97 का सी है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो याद रखना है सुमात्रा। ए ऑप्शन सही है 98 का। 99। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है? तो याद रखना है इसमें बी ऑप्शन होगा। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 99 का बी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है? तो आपको याद रखना है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सही है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। यह संघ होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, ये नहीं है। ठीक है, इसमें 100 में होगा क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो ये था हमारा 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। आगे हम लोग बात करेंगे 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट।